हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड पिता परमेश्वर, रात्रि के समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, महिमा मैं परमेश्वर आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। राजाओं का राजा, महिमा मैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर, आप आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा पिता परमेश्वर, आप सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चंगा करने वाला यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपके सम्मुख में आते हैं। धन्यवाद यीशु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल लिया, प्रभु ने उस फंदे से हमें निकाल लिया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। संकट के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने, उसने अपने मंदिर में से मेरी बात को सुनी, हम मेरी दुहाय उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी और परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने जवाब दिया। हमारे जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। का समय परमेश्वर पिता, ये सभी भाई बहन लोग चाहते हैं कि सब आशीष भरा जीवन जीना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारे राजा हैं, आप हमारे पिता परमेश्वर। हम सभी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जो आपने हमारे जीवन में बहुत सारे जो भलाइयां की हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हर एक्सीडेंट, खतरों, मुसीबतों से, बीमारियों से आपने बचाया है, छुड़ाया है, धन्यवाद करते हैं। चंगाई दिया है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की स्तुति करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु जी जितने भाई बहन आप लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपको आशीष का जीवन देगा, ब्लेस करेगा। आप बहुत सभी लोग चाहते हैं कि हम आशीष भरा जीवन आपके जीवन में, आशीष भरा जीवन सभी को जीना, जीवन जीना चाहते हैं। और कई लोग के जीवन, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं मसीह के आने के बाद भी हम आशीषित जीवन क्यों नहीं बिता पा रहे हैं। तो आज ऐसा क्या कारण है कि आज हम विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन फिर भी हम आशीष भरा जीवन नहीं जी पा रहे हैं? क्या कारण है कि विश्वासी होने के बाद भी हमारे जीवन में असफलताएं हैं, निराशा है और बहुत सारी बीमारियां हैं का सामना करना पड़ रहा है? तो एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम इधर उधर बातों पर मन लगाते हैं, ना कि हम परमेश्वर की बातों पर। तो हमारा रीजन है कि हम प्रभु को टाइम नहीं देते हैं। प्रभु के प्रेजेंस में आइए, पहली बात आप प्रभु को टाइम दीजिए। टाइम देने का मतलब ये है कि प्रार्थना कीजिए, प्रभु के सम्मुख में समय व्यतीत कीजिए। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु से अकेले में बात करें। बात करने का मतलब प्रार्थना करें, प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, अकेले में पर्सनल प्रेयर कीजिए। दूसरी बात, प्रभु के वचन को मनन कीजिए, रोज वचन को पढ़िए, उस वचन को पढ़िए, रोज बाइबल को पढ़िए और संगति करना ना छोड़े। हालेलुया प्रभु जी, तो परमेश्वर में हम उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो वचन में लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वह आशीष पाता है, वह कल्याण पाता है। वचन में लिखा है कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वह तेरे अन्न में जल पर और आशीष देगा। अन्न मतलब आपके जितने जो अन्न है, अन्न का मतलब जो भोजन की वस्तु है, जो राशन है, वो सबको ब्लेस करेगा, आपके जल में आशीष देगा और आपको सब पर आशीष देगा। और वचन में क्या लिखा है कि और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। इसका मतलब ये कि यदि आप बीमार हो तो आपके बीच में से वो सारी बीमारियों को दूर कर देगा।
तो आज से आप परमेश्वर के ऊपर मन लगाएं। प्रभु चाहता है कि प्रभु के प्रेजेंस में बने रहिए, प्रभु पे मन लगाएं और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। प्रभु आपको आशीष करे और ब्लेस करे। प्रभु हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। सभी विश्वासी भाई बहन जी इस टाइम प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, सभी लोगों के जीवन को आशीष करना परमेश्वर पिता, आशीष से ब्लेस कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने पिता परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी दुहाई आप तक पहुँचने पाए। संकट के दिन हम आपको पुकारते हैं, हमारी दुहाई को सुन लीजिए। वचन में लिखा है कि वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आज हम लाचार प्रार्थना की ओर कान लगाइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सेनाओं को यहोवा पिता परमेश्वर दया करना पिता परमेश्वर। आज हम पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। सच में जब मैंने कहा कि मेरे पांव फिसलने लगे, तब यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। सच में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन हैं प्रभु जी, ये प्रभु जी विश्वास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आज होने दें इनके जीवन में आशीष उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपके जीवन में आशीष कि वर्षा परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं वो अपने चेस्ट पे हाथ रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस का चंगे हो जाए राइट नाउ। इन द नेम ऑफ जीसस का बी हील्ड, इन द नेम ऑफ जीसस का बी हील्ड, इन द नेम ऑफ जीसस का। आज आपके चंगाई का दिन है, छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम से। चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज आप चंगाई को रिसीव करें, प्रभु की चंगाई को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस का। प्रभु की चंगाई आपको टच कर रही है, प्रभु की चंगाई आपको छू रही है यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया प्रभु जी, छुटकारा और चंगाई। प्रभु कहता है कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। प्रभु आज आपको आशीष देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम से। जिसको सर दर्द में प्रॉब्लम है, हालेलुया वो सर दर्द हेडेक की प्रॉब्लम छोड़कर जा रही यीशु मसीह के नाम से। और कि गले की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम छोड़कर चली जाए, थायराइड की प्रॉब्लम छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके शरीर में पेन रहता है वो छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके वेस्ट में प्रॉब्लम होता है वो छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जिसको चेस्ट में दर्द होता है यीशु मसीह के नाम से दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस का इसी वक्त रिसीव करें, प्रभु की चंगाई को रिसीव करें इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके ऊपर चंगाई को भेजती, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह की चंगाई रिसीव करें। प्रभु आज इनके छुटकारे का दिन है, छुटकारे का दिन है, चंगाई का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। हालेलुया रबगदुर बक्षरेगे दिन रबगदिर बथिरा। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर पिता जो आशीष के लिए जो बाट जो रहे, संतान की आशीष के लिए प्रभु जी, उनके संतान की आशीष देने, उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर। उनके घरों में परमेश्वर पिता उनके गर्भ का फल को ब्लेस कर दीजिए पिता परमेश्वर, आशीषित कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोगों का जो मैरिज में रुकावट आ रही है, वो सारे मैरिज के जो रुकावट है वो सारे मैं यीशु मसीह के नाम से सारे रुकावट को दूर कर दी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अच्छी, बहुत ही परमेश्वर ब्लेस करने वाले, आपको आशीष देने वाले, आपकी सारी मैरिज की रुकावट को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जिसके परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अच्छा परमेश्वर बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट वाइफ देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अच्छा और लड़का और लड़की देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आपकी मैरिज लाइफ को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया धन्यवाद। हर एक जो हस्बैंड और वाइफ उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा होती है, उस परमेश्वर मिल मिलाप का आत्मा देना इनके जीवन में, ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस हो जाइए आप, आशीषित हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु इनको ब्लेस कर दीजिए प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु नहीं चाहता कि आप दुख में रहें, प्रभु चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें और आनंदित रहें यीशु मसीह के नाम से। आपके मैं फाइनेंस को ब्लेस करती यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करती यीशु मसीह के नाम से, आपके न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, आपको न्यू बिजनेस, न्यू ऑनलाइन बिजनेस आपको आएंगे, आप न्यू बिजनेस खोलने वाले, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है न्यू बिजनेस के लिए, और जिसका बिजनेस चल रहा है परमेश्वर उसको, उस बिजनेस को ऊंचा उठा रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, सच पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर, इस रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करते हैं, सभी के जीवन को ब्लेस कीजिए और आशीष कीजिए, जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं सबको आशीष करना, उनके आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बाड़े में रखना पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब से ब्लेस करना, जितने जॉब के लिए गवर्नमेंट का अप्लाई किया है पिता परमेश्वर, एग्जाम दे रहे हैं उनको सभी एग्जाम में पास करना पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करना पिता परमेश्वर, आशीष करके चलाइएगा पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, रात्रि के समय परमेश्वर पिता, रात्रि के समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ये यहीं भी टूर एंड ट्रेवल में जाते इनके संगों साथ रहना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देकर चलना, इनके सारे बच्चों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जिनको नींद नहीं आती आज वो अच्छी नींद लेने पाए परमेश्वर, उनको अच्छी नींद देगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, सारे माता पिता भाई बहन सब लोगों को परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, आपके सारे परमेश्वर कर्ज से मुक्त कर रहा है, आप फ्री हो रहे हैं, डेबिट फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आपकी आर्थिक जो समस्या बनी रहती है अब वो नहीं रहेगी, आपके घरों में बरकत रहेगी, आपके घरों में आशीष बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी इस रात्रि के समय प्रभु जी हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, इनके अन्न जल और पानी पे आशीष देना पिता परमेश्वर, रात को जब सोते तो उनको अच्छी मीठी नींद देना परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करते हैं, आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कीजिए, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हमारे इस प्रार्थना के वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, परमेश्वर आपको आशीष करे और प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु की आशीष को लेते जाइए, आप सभी लोगों को जय मसीह की।